लुका का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 8 से लेके 11 तक। और उस देश में कितने गड़िया थे जो रात के मैदान में रहकर अपने झुंड के पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उस पास खड़ा होकर और प्रभु के तेज उन पर चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो कि सब लोग के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वह मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में, लोग क्रिसमस बोलते हैं लेकिन अपन यीशु मसीह का जन्म बोलेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इसके लिए हुआ कि मानव के उद्धार के लिए, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर पिता सोचता होगा कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है, सब मनुष्य जात पाप कर रहे हैं, अभी उनको छुड़ाने के लिए मैं किसको भेजूं। वो देख रहा था, तभी उसका पुत्र यीशु मसीह तैयार हुआ। तैयार होना चाहिए कि कोई भी अपन सुसमाचार बता दे तो करने के लिए, वो काम करने के लिए मनुष्य तैयार होना चाहिए। यीशु मसीह तैयार हुए कि मैं जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो तैयार नहीं होते तो दूसरे और किसी को परमेश्वर को भेजना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। यीशु मसीह तैयार हुए। तुम देखो कि जब भी अब्राहम अपने पुत्र को ईसा को बलि देने के लिए लेके गया, जा रहा था, तभी ईसा ने कहा कि बलि देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तभी अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर देखेगा वहाँ पे। और जब भी ईसा का हाथ और पैर बांध रहे थे, तभी ईसा रोया नहीं कि भागा नहीं कि मेरा बलि क्यों दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईसा तैयार हुआ, लेकिन तभी ईसा ने कहा कि पिताजी तुम मेरे को मार रहे, बलि दे रहे, लेकिन तुम दे नहीं सकते, इसके लिए तुम तुम्हारे आग बांधो, क्योंकि अब्राहम अपने पुत्र के ऊपर बहुत प्यार करता था, कि बहुत साल के बाद वो बेटा हुआ था, इसके लिए ईसा के ऊपर वो बहुत प्यार करता था। इसके लिए ईसा ने कहा कि अपने आँखें बांधो। ईसा तैयार हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मनुष्य तैयार होता है तभी परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह तैयार हुए कि मैं लोगों के उद्धार के लिए मैं पृथ्वी लोग जा रहा हूँ। हालेलुया। देखो, भगवान होके भी, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु होके सामान्य परिवार में जन्म लिया, गरीब बन गया अपने को धनवान बनाने के लिए। हालेलुया। सामान्य परिवार में, गाय के गोटे में, गौशाला में, जहाँ पे मेंढर रहते थे। हालेलुया। लेकिन ये तुम देखो, संदेश के द्वारा पहले ही बताया था, इज़राइल लोगों जब भी छल हो रहा था राजा के टाइम, तभी लोग प्रार्थना करते थे और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। ये संदेश के द्वारा बताया था और उसी तरह से हुआ। देखो, मरियम कुंवारी थी और वो जब घर में काम कर रही थी तो अचानक स्वर्गदूत वहाँ पे खड़े हुए। स्वर्गदूत मतलब इब्राहिम। हालेलुया। जो इब्राहिम था वो परमेश्वर का संदेश लेके उसके घर पे आया और उसकी ज्योति चमकी, तभी वो डर गई। लेकिन परमेश्वर के देवदूत ने कहा कि डरो मत, तुम गर्भवती होएगी। हालेलुया। और तुम्हारे गर्भ से परमेश्वर का पुत्र जन्मेगा। हालेलुया। तो बोली, मैं तो कुंवारी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस देवदूत ने कहा कि तुम्हारे कोख से जो बच्चा पैदा होएगा वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सब मानव का उद्धार के लिए इस धरती पे जन्म लेने वाला है। तभी वो तैयार हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, कुंवारी लड़की अगर ऐसी गर्भवती होएगी तो उसको मालूम है कितने संकट का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन वो तैयार हुई, जिसने कहा है वही मेरी रक्षण कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो गर्भवती हुई, लेकिन उसकी मंगनी देखो, उसकी मंगनी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया।
कि ईसा के साथ यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हुई थी, हालेलुया। लेकिन जब भी वो प्रेग्नेंट थी, जब भी उसको पता चला कि प्रेग्नेंट है, हालेलुया, कि शादी के पहला, हालेलुया, शादी के पहले ही प्रेग्नेंट है तो तुम देखो अभी के ज़माने में क्या होएगा, हालेलुया। तो वो धर्मी आदमी था, वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखने वाला था, इसके लिए उसने सोचा कि मैं उसको अगर छोड़ूंगा तो लोग क्या बोलेंगे उसको, उसकी लोग मजाक उड़ाएंगे, हालेलुया। तो उसने सोचा कि मैं उसको ऐसे छोड़ के जाऊँगा, और रात को सो गया। तो रात को देवदूत ने उसने सपने में कहा, जो मरियम के गर्भ में जो बच्चा है वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसका नाम तुम यीशु मसीह रखना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जन्म से पहला ही उसका नाम परमेश्वर ने, देवदूत ने उसको बताया था कि उसका नाम तुम यीशु मसीह रखना, हालेलुया। और जब भी वो सुबह जागा तो उसने वो सपना देखा था, तो उसने उसका स्वीकार किया, हालेलुया। परमेश्वर के इच्छे के अनुसार वो चल रहे थे, क्योंकि जो धर्मी आदमी रहता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वही ऐसे काम कर सकते हैं, हालेलुया। नहीं तो कोई भी बोलेगा यार वो सपना था, ऐसा थोड़ा है, शादी के पहले मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा, मैं शादी नहीं करूँगा, हालेलुया। ऐसा उसने नहीं कहा, क्योंकि देवदूत ने उसको बताया था, क्योंकि वो धर्मी लोग थे, वो दोनों भी धर्मी थे, नीतिमान थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले दोनों भी थे, इसके लिए उनके घराने में परमेश्वर के पुत्र का जन्म होने वाला था, हालेलुया, हालेलुया। और जब भी 9 महीने पूरे होने के लिए आए तो उसका नाम लिखने के लिए, देखो ये संदिष्टों का द्वारा सब बताया था, ऐसा ही हो रहा था, उसका नाम लिखा लिखने के लिए वो दाविद के नगर में गए, हालेलुया। और उस टाइम उसके 9 महीने पूरे हुए थे, 9 महीने पूरे हो गए थे, और नाम लिखने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, और जब भी उसको लेके यहाँ वहाँ जा रहे थे, लेकिन सब ने दरवाजे बंद किए, किसी ने भी उनको सहारा नहीं दिया, हालेलुया। लेकिन एक गौशाले में जहाँ पे मेंढर रहते थे, हालेलुया, तुम देखो वहाँ पे मेंढर थे, लेकिन ये जूना करार में लिखा है जो मेंढर वहाँ पे मोशे के द्वारा, तुम देखो इज़राइल में जब यरूशलेम में 1 बरस के बाद जब यरूशलेम खोलते थे और पहले बकरे का बलि देते थे, तो वहाँ से वो पहला बकरा लेके जाते थे, हालेलुया, जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, हालेलुया, हालेलुया, उधर से सब वो लेके जाते थे काटने के लिए, वहाँ पे बलि देने के लिए, तो वहाँ पे परमेश्वर के पुत्र का जन्म हुआ, हालेलुया। इसके लिए कि वो बकरे का बलि न देने के लिए परमेश्वर के अपने पुत्र का बलि देने वाला था, हालेलुया। इसके लिए जो संदेशा ने लिखा था ऐसा ही हो गया, वही जगह पे, हालेलुया, रात के समय यीशु मसीह का जन्म वहाँ पे हो गया, हालेलुया। और ये आनंद की बात भी, ये सुसमाचार बताने के लिए जो गड़ैया रात के समय एक मैदान में सब बैठे थे, रात के समय मतलब ठंडी का समय होगा, वहाँ पे शिकुटी, देखो ठंडी के अभी मुंबई में तो सब मौसम एक सरीका लगता है, हालेलुया, कि अभी भारत में कितने बिहार उत्तर प्रदेश वहाँ पे कितनी ठंडी चल रही है, लेकिन इधर ठंडी का असर होना है नहीं हो रहा है, इधर को कभी कभी बारिश भी आता है, हालेलुया, 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 क्योंकि मुंबई ऐसे है कि इधर तीनों मौसम एक सरीका लगते हैं, हालेलुया। लेकिन वहाँ पे ठंडी का मौसम था और वो गड़िया वहाँ पे सब बैठे थे और अचानक स्वर्गदूत वहाँ पे आ गए, हालेलुया, और उनकी ज्योति वहाँ पे चमक गई, तो सब गड़िया डर गए, हालेलुया। लेकिन उस देवदूत ने कहा कि डरो मत, हालेलुया, ये डरो मत बाइबल में बहुत शब्द है, यीशु मसीह ने भी लोगों को कहा है डरो मत, लेकिन आज लोग डर रहे, हालेलुया, कितने लोग डर रहे, बीमारी के वजह से डर रहे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पुत्र इस संसार में आया था तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने साथ है। दाविद के नगर में उसका जन्म हुआ था
और वो आनंद का सुसमाचार परमेश्वर के देवदूत ने उनको गड़िया को बताया, और वो सब सुसमाचार वो गड़िया देखने के लिए वहाँ पे चले गए। तो गौशाला में यीशु मसीह का जन्म वहाँ पे हुआ था, वो लोगों ने सब देखा। हालेलुया। और फिर दूसरे देश के लोग, मतलब ज्योतिषी, हालेलुया हालेलुया। तुम देखो लूका और मत्ती में ऐसा समाचार है, लूका का सुसमाचार और मत्ती में अध्याय 1 वचन 21 में लिखा है, हालेलुया हालेलुया, कि ज्योतिषी, मतलब अपन अभी देखो पंचांगन देखते हैं, ज्योतिषी के भी देखते हैं, वो पहले से ज्योति थी, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद वो ज्योतिषी खत्म हो गए। हालेलुया हालेलुया। तो पहले ज्योतिषी थे और उनको मालूम पड़ा कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म होने वाला है, और आकाश से तारा चमक गया, और वो तारा देख के वो यरूशलेम में आ गए थे। हालेलुया। उस टाइम हेरोद राजा था, वो हेरोद राजा के पास गए और बोलने लगे कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म होने वाला है, वो कहाँ पे है, कि आकाश से तारा चमका था, कि ज्योतिषी सब जानते हैं। हालेलुया। वो सब तारे देख के पंचांगन बोलते हैं। हालेलुया। तो उसने तारा देखा था, इसके लिए वो यरूशलेम में आए थे और हेरोद राजा के पास गए। तो हेरोद राजा ने सब मंत्री को बुलाया कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म होने वाला है कहाँ पे। हालेलुया। तभी वो बोले कि दाऊद के नगर बेतलेम में उसका जन्म होने वाला है। हालेलुया। तो हेरोद राजा ने उसको कहा, उन लोगों को, ज्योतिषी को, हालेलुया, कि तुम जा रहे तो तुम बेतलेम में जाओ। हालेलुया। वहाँ पे उसका जन्म होने वाला है। और जब वो बाहर निकले तो आकाश से तारा उनके आगे आगे चल रहा था, और उसके पीछे पीछे वो लोग चले गए। और जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहाँ पे वो आए, और वो बालक को देखा, उसका इतना तेज था। हालेलुया। उसको देखने के बाद वो घुटने पे आए और उसको, उस बालक को वो लोगों ने नमन किया। हालेलुया हालेलुया। और जो कुछ द्रव्य लाए थे वो सब उसके पैर में रखे। और जब वो सो गए थे, आराम कर रहे थे, तभी देवदूत ने उनको सपने में कहा कि हेरोद राजा के पास मत जाना। हालेलुया हालेलुया। हेरोद राजा के पास मत जाना, वापस दूसरे रास्ते से तुम तुम्हारे नगर में जाओ। हालेलुया हालेलुया। और वो जाने के बाद तुरंत मरियम और यूसुफ को, हालेलुया, परमेश्वर के देवदूत ने दर्शन दिया और कहा कि बालक को लेके दूसरे नगर पे लेके जाओ, क्योंकि हेरोद राजा उस बच्चे को मारने वाला था। अभी तुम देखो, हेरोद राजा उस बच्चे को क्यों मारने वाला था, उसका और उसकी क्या दुश्मनी थी, किसी की दुश्मनी रहती तो मारते, तो हेरोद राजा उस बच्चे को क्यों मारने वाला था। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे, संदिष्टा ने बताया था कि परमेश्वर का पुत्र आएगा और वो इस संसार पे राज्य करेगा, तो ये डर गए थे कि हमारा राज्य जाएगा। हालेलुया। ये भी था, और जो हेरोद राजा था, तुम देखो ईसा के लड़के दोन थे, एक ईसावा और याकूब। हालेलुया। जो यीशु का जन्म हुआ था याकूब के घराने से हुआ था। हालेलुया। और जो हेरोद राजा था ईसावा का, उस घराने का था, तो उनकी पहले से दुश्मनी थी। हालेलुया। जब भी वो अपने माँ के पेट में थे तभी वो झगड़ा कर रहे थे। हालेलुया हालेलुया। और जब ये ईसावा बड़ा था, हालेलुया, और याकूब छोटा था, जब भी वो छोटा था तभी वो बड़ापन के लिए वो खाना बना रहा था, और वो ईसावा का जंगल में कुछ मार के लाया था, और बोला मेरे को भूख लगी, तो उसने कहा कि तुम्हारा जो बड़ापन है, हालेलुया हालेलुया, मेरे को देगा तो मैं तुमको खाना दूंगा। हर उसने बड़ापन को तुच्छ समझा और उसको दे दिया। हालेलुया। दूसरी बार जब ही ईसाक ने कहा था कि बेटा जाओ जंगल में कुछ प्राणी मार के लाओ, मैं तुमको आशीष देना चाहता हूँ, तो उसके औरत ने वो सुना था, और वो जाने के बाद याकूब को उसने बताया था। हालेलुया। तो ये याकूब के वंशज थे, उसके वंशज से यीशु मसीह था। हालेलुया हालेलुया। और हेरोद राजा था वो ईसाव के वंशज का था, इसके लिए उनकी दुश्मनी थी।
हालेलुया हालेलुया। इसके हेरोद राजा उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा था, और जब ही वो यशक हेरोद राजा को मालूम पड़ा कि वो सब शास्त्री हालेलुया और ज्योतिषी वह आए नहीं, मेरे को सुसमाचार बताए नहीं, तो उसको गुस्सा आया और उसने कहा जहाँ पे बैतलेम के आजू बाजू के नगर में जो जितने 2 साल के जो बच्चे हैं उनको मार डालो। हालेलुया, क्योंकि ये सब संदेष्टे के द्वारा लिखा था, ऐसा ही हो रहा था। हालेलुया, नहीं तो तुम बोलेंगे और वहाँ पे उनके देवदूत क्यों नहीं आए यीशु मसीह का संभाल करने के लिए, उसको क्यों कहा उसको बाहर जाओ, क्योंकि पहले ही भविष्यवाणी हुई थी और उसी तरह से सब चल रहा था। हालेलुया हालेलुया। और फिर यीशु मसीह को मिस्र देश में लेके गए और वहाँ पे वो बड़ा हो गया। तुम देखो यीशु मसीह बड़ा होने के बाद जब हेरोद राजा मरा तो फिर देवदूत ने कहा कि उसको वापस अपने नगर में लेके जाओ। हालेलुया हालेलुया। नासूर में लेके जाओ। हालेलुया, इसके लिए कई लोग कहते नासूरुद्दीन यीशु मसीह, उसका जन्म बैतलेम में हुआ था। हालेलुया, लेकिन उसका बड़ापन जब भी बच्चा था वो बड़ा हो गया, वो नासूर में हो गया। हालेलुया, और वहाँ पे वो बड़ा हो गया। फिर उसके जो लिखा था इसका वो यरूशलेम में उसको लेके गए, तभी वहाँ पे एक संदेष्टा था, संदेष्टा को बताया था कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र का मुँह देखेगे तो तुम अपना त्याग कर सकते हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जब तक तुम परमेश्वर के पुत्र का मुँह नहीं देखेगे। हालेलुया हालेलुया। तो वो सब उस टाइम जब भी वो बच्चे को लेके गए उसी टाइम वहाँ पे वो संदेष्टा था और उसने उस बालकों को देखा, उसने कहा कि परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और फिर वो आते समय बच्चा घूम हो गया, वो शास्त्री पंडित लोगों को सिखा रहा था। और उसके बाद हालेलुया, उसके बाद 18 साल के बाद हालेलुया, उसमें बाइबल में कुछ लिखा नहीं। हालेलुया हालेलुया। फिर 30 बरस के बाद यीशु मसीह चमत्कार करने लगा। हालेलुया, जो 18 बरस बीच में बीत गए उसके बारे में बाइबल में कुछ लिखा नहीं। हालेलुया, बाद में जब भी यीशु बड़ा हो गया और फिर यूहन बपतिस्मा दे रहा था वहाँ पे यीशु मसीह गए। हालेलुया, और यूहन बपतिस्मा दे रहा था, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बपतिस्मा करो। यूहन ने कहा कि तुम परमेश्वर का पुत्र है, मैं तुम्हारा बपतिस्मा कैसा कर सकता हूँ, लेकिन वो भी उसका भाई था। हालेलुया हालेलुया, सका भाई नहीं था लेकिन मौसी का लड़का था। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि तुम तो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो लिखा है वो होने दो। हालेलुया, जो संदेष्टा के द्वारा लिखा है वो होने दो। और उसने यीशु मसीह का बपतिस्मा किया, तभी आकाश खुला हो गया और आकाश से कबूतर के शरीर का पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। और आकाशवाणी हो गई, ये मेरा परम पुत्र परमेश्वर का, ये मेरा पुत्र है और उसके तुम सुनो। हालेलुया हालेलुया। और फिर वहाँ से यीशु मसीह निकले और 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास की, कितना 40 दिन। हालेलुया, और जब भी परीक्षक वहाँ पे आ गया, परीक्षक कौन, शैतान। हालेलुया, 40 दिन उपवास करने के बाद वहाँ पे परीक्षक आ गया, शैतान ने कहा अगर तुमको भूख लगी है तो इस पत्थर को बोलो रोटी होने के लिए। हालेलुया हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को कहा हालेलुया कि मनुष्य का पेट रोटी से नहीं भरेगा। हालेलुया, मनुष्य का पेट परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से भरेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर शैतान वो परीक्षक यीशु मसीह को यरूशलेम में ऊपर लेके गया, उच्च जो बड़ा शिखर था वहाँ पे लेके गया। और फिर उस शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि इससे कूदो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा रक्षण करेगा, तुमको गोद में उठाएगा। हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। हालेलुया हालेलुया,
फिर वो शैतान यीशु मसीह को पहाड़ पे लेके गया, और पहाड़ पे लेके जाने के बाद उस शैतान ने यीशु मसीह को कहा, हालेलुया, ये सारी सृष्टि दिखती ना, सब मेरे आगे झुकती है, हालेलुया, अगर ये तुमको चाहे तो मेरे को नमन करना, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ नमन करना, उस परमेश्वर पिता के पास ही नमन करना, उसकी उपासना करना और किसी की नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से यीशु मसीह चमत्कार वहाँ पे बढ़ गए, और फिर 30 बरस के बाद, हालेलुया, 20 का लिखा नहीं, हालेलुया, 30 बरस के बाद यीशु मसीह चमत्कार करने लगे। काना इस गांव में यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया, हालेलुया, हालेलुया, और फिर यीशु मसीह चमत्कार करने लगे, और वही यीशु मसीह आज भी चमत्कार कर रहे, हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी खरी लड़ाई किसके साथ है, हालेलुया, पाकिस्तान से नहीं, चाइना से नहीं, तो आकाश में जो दुष्ट आत्मा है उससे अपनी खरी लड़ाई, हालेलुया, हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा इस जगत में काम कर रहे हैं, आज तुम देखो जो कोरोना की बीमारी है, लेकिन उससे अधिक तुम देखो कैंसर से कितने लोग मर रहे हैं। मैं सुबह आंकड़ा देखा कि कैंसर से हर दिन 1300 लोग मरते हैं, हालेलुया। टीबी से कितने लोग मरते, 1400 लोग मरते, और जो अटक आता है उससे हर दिन 2000 लोग मरते हैं, हालेलुया। ये काम कौन कर रहा है, शैतान कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का शैतान नाश कर रहा है, तो डायबिटीज ये बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं, और दूसरी कितनी बीमारी है, एक्सीडेंट में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का वो शैतान नाश कर रहा है। तो अपनी खरी लड़ाई पाकिस्तान चाइना से नहीं, तो अपनी खरी लड़ाई उस दुष्ट आत्मा से, वो शैतान से है, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तुम यीशु मसीह के पास है, वो अपना उद्धार करता है, वो जीवित परमेश्वर है, तो उसके वचन का पालन करो, डरो मत कोरोना का बीमारी से, और किसी बीमारी से डरो मत, क्योंकि खुद परमेश्वर अपने साथ है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 2000 साल पहले जो यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे, वही चमत्कार यीशु मसीह आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे, आज भी बड़ी बड़ी गवाही आ रही है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपन तुम देखो आज कितने लोग बीमारी में मर रहे, कैंसर में मर रहे, डायबिटीज में मर रहे, शराब में मर रहे, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो बिली ग्राहम ने कहा अमेरिके में एक आदमी के बीच 2 आदमी शराब पीने वाले हैं, गंदा काम करते हैं, शैतान ही काम कर रहा है, हालेलुया, शैतान काम कर रहा है। कितने लोग शराब पी रहे, कितने लोग मोबाइल पे कुछ गंदा देखते हैं, कितने लोग पाप कर रहे हैं, ये शैतान सब काम कर रहा है। तो अपनी खरी लड़ाई उसके साथ है, अपन वचन के अनुसार चलना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए, अपन वचन का पालन करना चाहिए। तुम यहाँ पे आए तो यीशु मसीह के वचन सुनते, तो वचन का पालन करना चाहिए, तो यीशु मसीह का जन्म अपन कैसा बनाना चाहिए, हालेलुया। आज लोग कैसे बनाएंगे, 25 दिसंबर यीशु का जन्म हुआ, वहाँ पे तारीख तो निश्चित नहीं, हालेलुया, लेकिन वो जन्म बनाते वो कैसे बनाते, भारी कपड़ा पहनेंगे, हालेलुया, केक काटेंगे, खाना खिलाएंगे, चिकन विकन शराब पिएंगे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे जो कलीसिया के लोग है, यहाँ पे आने के बाद अपन परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, यहाँ पे आने के बाद कितने लोगों की शराब की आदत छूट गई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो क्या कर रहे, वो करते ऐसा अपने को नहीं करना है, हालेलुया। अपन अपना यीशु मसीह का जन्म बनाना है, तो कोई भूखा प्यासा है ऐसे लोगों को मदद करो, हालेलुया, तो परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए, बाइबल में वचन है, दिया करो तो तुमको भी दिया जाएगा। तो पहले सेक्शन में गवाही आई थी, एक बहन उसकी रिक्शा थी और उसके हफ्ते मिली थी और हफ्ता दे नहीं पा रही थी, तो उसकी रिक्शा लेके जाने वाले थे, हालेलुया, हालेलुया। और उसको पैसे की ज़रूरत थी, 5000 रुपये की ज़रूरत थी, हालेलुया। तो उसकी पड़ोसी यीशु मसीह भी विश्वास रखने वाली थी, हालेलुया, तो उसको पता चला, तो उसके भी घर खर्चे के लिए उसने पैसा रखा था, हालेलुया। अभी मैं उसको पैसा दूंगा कि मेरा कैसा चलेगा, मेरा पति क्या बोलेगा, पैसा कहाँ गया, हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन उसने सोचा कि मैं उसको मदद करूंगी। उसने उस जो खर्चे में बचा था वो उसको पैसा 5,000 दे दिया और उसने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरा आगे का जो घर चलाना है तू ही कर सकता है। हालेलुया, कि तेरा वचन है दिया करो तो दिया जाएगा। हालेलुया, और उसने उसको 5,000 दे दिया। हालेलुया, और घर में जाते समय उसने मोबाइल पे देखा तो उसके अकाउंट में 45,000 आ गए थे। हालेलुया, हालेलुया, उसके पीएफ के का कुछ पैसे आने वाले थे। मैं वहाँ पे बैठा था इसके लिए सुन नहीं पाया। पीएफ के पैसे आने वाले थे, वो बहुत टाइम था, लेकिन उसी दौरान आ गए कि परमेश्वर अपने को दे सकता है। हालेलुया, विश्वास करो। उस बहन ने विश्वास से उसको मदद किया तो परमेश्वर तुमको मदद कर सकता है। हालेलुया, कि आज भी गवाही आ रही, दूसरे दो गवाही आ गई। एक बहन ने गवाही दी कि उसके पेट में गांठ थी, गांठ और घूम रही थी। हालेलुया, बहुत तकलीफ उसको हो रही थी, उसने पति को नहीं बताया, डॉक्टर के पास भी नहीं गई। वो डर गई थी कि डॉक्टर के पास जाएगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन मतलब फाड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तो कई डर जाते हैं। हालेलुया, तो डर गई थी, लेकिन वो यहाँ पे आती थी, उसने विश्वास किया और विश्वास से प्रार्थना करने लगी। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास से प्रार्थना करें यार, प्रभु यीशु की कृपा उसके ऊपर हुई और उसकी गांठ चली गई। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी एक बहन की गवाही थी, उसके पैर में गांठ थी, वो चल नहीं सकती थी। हालेलुया, 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 वो भी डॉक्टर के पास नहीं गई। डॉक्टर के पास जाने के लिए लोग डरते, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और दूसरे लोग इसके लिए डरते कि पैसा बहुत जाता है। हालेलुया, और ऊपर से डॉक्टर बोलता है कि सक्सेस होएगा उसके हम गारंटी नहीं देंगे। हालेलुया, दोबारा गांठ आएगी तो। ऐसे बहुत गवाही आई थी, एक भाई ने तो आशीर्वाद केंद्र में गवाही दी थी, उसके 5 बार उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वो बार बार आते थे। इसके लिए बहन वो डर गई थी, उसने ऑपरेशन नहीं किया और वो यहाँ पर आ गई और उसने अपनी समस्या सिस्टर को बताई। हालेलुया, सिस्टर को बताई कि सिस्टर गांठ है, चलने को बहुत तकलीफ हो रही है। हालेलुया, सिस्टर ने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। हालेलुया, और प्रभु यीशु का स्पर्श उसको हो गया और आस्ते आस्ते उसकी गांठ कम होते गई। हालेलुया, आज सुबह उसने गवाही दी कि उसकी गांठ पूरी तरह से चली गई। हालेलुया, हालेलुया, जो 2000 साल पहले यीशु मसीह चमत्कार कर रहा था, वही यीशु मसीह आज भी चमत्कार कर रहा है। वो मानव के उद्धार के लिए उसने जन्म लिया, खाली इज़राइल लोगों के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जात के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यीशु मसीह का जन्म अपन जब भी बनाते तभी तुम क्या करो, कोई भूखा प्यासा है तो उसको मदद करो, जिसको कपड़े नहीं उसको मदद करो। ऐसी मदद करोगे तो न्याय के समय वो काम आएगा। हालेलुया, न्याय के समय यीशु मसीह न्याय करने वाला है। वो बोलेगा जब भी मैं भूखा था तभी तुमने खाना खिलाया, जब भी मैं प्यासा था तभी तुमने पानी पिलाया, जब भी मैं बीमार था तभी तुम देखने के लिए आ गए। हालेलुया, मतलब परमेश्वर हर इंसान के अंतकरण में है। हालेलुया, परमेश्वर कहाँ पे वस्ती करता है, उसके बना हुए मंदिर में वस्ती करता है। हालेलुया, हालेलुया, तो आज से तुम अपना मंदिर साफ सुथरा करो और परमेश्वर के वचन का पालन करो। यीशु मसीह का जन्म बनाना है तो कपड़ा पहनो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि कपड़ा पहनो, अच्छा कपड़ा पहनो, खाना भी खाओ दूसरे को भी दे दो। हालेलुया, 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 लेकिन ये मत करना। हालेलुया, जो ये करते हैं उसने वचन का पालन नहीं करते, वो खुद की मजाक के लिए करते हैं, खुद का पेट भरते हैं। हालेलुया, लेकिन अपन यीशु मसीह के पास आए तो अपने को यीशु मसीह के वचन मालूम पड़े, तो आज से अपन वचन के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए, तभी परमेश्वर खुश हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, तो यीशु मसीह का तुमको बर्थडे बनाना है तो कोई भी एक दो आदमी को तुम दान दे दो, मदद करो। हालेलुया, हालेलुया, आज संसार में बहुत लोग तकलीफ में है, समस्या में है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तुम उसको मदद करेंगे तो परमेश्वर तुमको मदद करेगा, जैसे उस बहन को परमेश्वर ने मदद की, ऐसे परमेश्वर तुमको मदद करेगा। कि विश्वास रखो, जो परमेश्वर गांठ निकाल सकता है। हालेलुया, जो परमेश्वर बच्चा दे सकता है, जो मरे हुए को जगा सकता है,
वो तुमको मदद भी कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा भी निकल सकता है। हालेलुया हालेलुया, लेकिन तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, खुद परमेश्वर कर रहा है। वो 2000 साल पहले उसका जन्म बैतलहम में हुआ। हालेलुया, इसके लिए हुआ कि मनुष्य के उद्धार के लिए हुआ था, मानव जात के उद्धार के लिए, पाप की क्षमा देने के लिए और अपना आत्मा स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु मसीह जगत में आए थे। इसके लिए परमेश्वर पिता का यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे वो तैयार हो गए। हालेलुया हालेलुया, ऐसे तुम भी परमेश्वर के वचन पालने के लिए तैयार हो जाओ, आज से मैं सुसमाचार लोगों को बताऊँगा। हालेलुया, एक दिन हफ्ते में एक बार तो एक आदमी को बताओ। हालेलुया, हफ्ते में तुम एक बार आते तो एक आदमी को तो लेके आओ। हालेलुया, एक आदमी को भी हफ्ते में नहीं तो महीने में भी एक बार वो बताएंगे तो कितने लोगों को सुसमाचार फैलाएगा। आज कितने लोग अंधकार में है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो तुम 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने वाले हैं, तो तुम कपड़ा पहनो, आनंद बनाओ, तुम खाओ पियो, लेकिन जो भूखा प्यासा है उसको भी दे दो, जिसको कपड़ा नहीं उसको भी दे दो। ऐसा तुम करोगे तो परमेश्वर ऊपर खुश हो सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। इसके लिए जहाँ पे तकलीफ है उस जगह पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सिर पे हाथ रखो, विश्वास रखो कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे काम करने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएंगे। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्व हो जाओगे। शैतान के हर योजना से प्रभु यीशु तुम्हारा बचाव करेगा। जिनको शारीरिक तकलीफ है, तुम्हारी हर शारीरिक तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे। प्रभु यीशु की शांति और स्वर्गीय दया, स्वर्गीय पवित्र आत्मा तुम सब लोगों के ऊपर आ जाए। आमीन।